एक बात सुन लो लो, जब अपना देश आजाद हो गया था ना, देश आजाद होने के बाद में दो प्रकार के राज्य हुआ करते अपने यहां पे बेसिकली। एक वो राज्य जो डायरेक्ट अंग्रेजों के पास थे, एक वो राज्य जो राजाओं वाले भारत में थे, बाद में उनको भारत के अंदर मिलाया गया। जो अंग्रेजों वाले भारत में जो राज्य हुआ करते, जैसे बंगाल, पंजाब, मद्रास, इनमें बनते राज्यपाल, क्या बनते थे अपने को, जिनको बाद में राजाओं का राज था, बाद में भारत में मिले, अपने यहां पे बनते राज प्रमुख। क्या बनते? अपने यहां राज्यपाल नहीं बना करते थे, अपने क्या बना करते थे? राज प्रमुख। अपने राजस्थान के पहले राज प्रमुख कोई बनाए गए थे तो वो कौन थे, और अंतिम राज प्रमुख भी कोई थे तो वो कौन थे? लिखो, यह राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम राज प्रमुख थे। ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली, ये लिखो, प्रथम एवं एकमात्र, ताकि याद रहेगा एक ही बने थे। यह राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। ही वॉज फर्स्ट एंड ओनली राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। 49 के आसपास बनाया गया था, 50 के अंदर राजस्थान पूरा बनता। 26 जनवरी 1950 को अपना नाम क्या दिया गया था? राजस्थान। 1949 में जयपुर जब शामिल हुआ था तब से इनको राज प्रमुख बना दिया था, और जब राज प्रमुख बनाया था तब यह कहा गया था कि आप आजीवन अपने पद पर रहोगे। कैसे रहोगे अपने पद पे? आजीवन का मतलब जब तक आप नहीं मरोगे तब तक आपके अलावा किसी दूसरे को राज प्रमुख नहीं बनाया। लेकिन 1956 में भारत सरकार एक संविधान संशोधन करती है, 7वां संविधान संशोधन क्या करती है, और भारत सरकार ने संविधान संशोधन किया और कहा राज प्रमुख नाम का पद समाप्त किया जाता है, आज के बाद में किसी को भी राज प्रमुख नहीं बनाया जाएगा, अब हम बनाएंगे राज्यपाल। क्या बनाएंगे? तो मानसिंह जी को आ गया, भाई मानसिंह जी आपको हमने बनाया था लेकिन अब हमने संविधान संशोधन कर दिया, हम आपको हटाएंगे। हटाएंगे तो मानसिंह ने पूछा भारत सरकार से कि भाई आपने संविधान में पहले लिखा था कि मैं आजीवन रहूंगा, फिर बीच में कैसे हटा सकते हो, 7 साल बाद में हटा रहे हो मेरे को, मरूंगा तो बाद में मैं जाके। तो नेहरू जी का एक सिंगल लाइन का रिप्लाई है, नेहरू जी का एक रिप्लाई था कि संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता, संविधान कभी कि पत्थर में चेंज नहीं आते, बाटा आज पड़ा है 200 साल बाद में बाटा ही मिलेगा आपको, लेकिन संविधान पत्थर नहीं है, संविधान के अंदर चेंज आएंगे समय के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कुछ ना कुछ चेंज किए जाएंगे। आज के 7 साल पहले हमें लगता था राजप्रमुख बनाने जरूरी है, 7 साल बाद में लगता है कि राजप्रमुख बनाने जरूरी नहीं है, ट्रायल एंड एरर है। हमने एक इस प्रकार की कोशिश की थी, हमें लगा कि यार ये वाला सिस्टम सही नहीं है तो हम दूसरे वाला सिस्टम लेके आएंगे, तो संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता। मानसिंह ने लेटर पढ़ा, मानसिंह ने कोई बात कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो आप मुझे, और हटा दिया गया था यहां से। अच्छा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे प्रकार की कई चीजें होती है, हटा दिया जाता है। पर अक्सर इस प्रकार जब भी किसी आदमी को हटा दिया जाए कि मान लो आप नौकरी लग गए, आप आरएस की नौकरी लग गए और 5 साल बाद आपको सरकार कहे घर जाओ, बहस खूब कर ली नौकरी, बहस अब रवाना यहां से, है ना, हमने संविधान में संशोधन कर दिया और संविधान संशोधन कर कहा कि फलान जी को 5 साल बाद हटाना है, तो आप में सरकार के प्रति कड़वाहट होगी, तो आपको लगेगा कि यार सरकार खराब कर गई मेरे को तो पूरी तरीके से, और ये तरीका कैसे हो सकता है। पर मुझे आदमी बड़ा महानतम आदमी लगता है कि यार इस प्रकार से बीच में हटाया गया था इस आदमी को, उसके बावजूद इसके मन में सरकार के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी, स्वीकार किया, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो डिसीजन सरकार लेती है वो डिसीजन सही है, जो डिसीजन संसद लेती है वो डिसीजन सही है। पर इससे भी जोरदार मुझे इसका बेटा लगता है, सवाई मानसिंह के बेटे थे सवाई भवानी सिंह, क्या नाम था? सवाई भवानी सिंह, इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन, मैंने शायद बीच में बात बताई होगी कभी, आप ये दिन बताई थी पर नहीं बताई थी, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं, और इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में इंडियन आर्मी से पूरी सर्विस के दौरान कभी तनख्वाह नहीं ली, तब देश के लिए लड़ने के लिए तनख्वाह किस बात की होती है? पहले जयपुर हमारा देश था तो जयपुर के लड़ते थे, राजा को लड़ने जाना पड़ता था, अब देश चेंज हो गया और अब देश का नाम क्या हो गया, हमारे भारत, तो तनख्वाह किस बात की, कोई उसने पूरा करियर बिना तनख्वाह के निकाला है। और हालांकि हम वैसे देखें तो भाई पैसों की क्या हो सकता थी, रॉयल फैमिली का बंदा था, पैसे की आवश्यकता भी नहीं थी, पर बंदे को सिद्धांत देखिए कि देश के लिए लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। वो आदमी जिसके पिता को भारत सरकार ने बीच में उसके पद से हटा दिया था, वो आजीवन भारत सरकार की सेवा करता है, उनकी सेना के अंदर रहता है और वहां से सैलरी नहीं उठाता है। 71 वाली जब वॉर हुई तो भवानी सिंह इस पोस्ट पे थे, जैसलमेर वाली पोस्ट पे, इस पोस्ट पे थे, और पाकिस्तान ने मोर्चे खोल दिए, हम ढाका में लड़ रहे थे, वास्तव में जो लड़ाई चल रही बांग्लादेश में चल रही, 71 की वॉर की लड़ाई पूरी बांग्लादेश की वॉर है, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि यार बांग्लादेश में भारत का प्रभाव कम किया जाए, भारत की आर्मी बांग्लादेश की तरफ है उसको कम किया जाए, तो क्या किया जाए, तो पंजाब वाला मोर्चा खोल दो,
तो पंजाब साइड से भारत पर और हमला कर दो ताकि भारत का आधा ध्यान पंजाब पर आधा ध्यान बंगाल पे, तो बंगाल में भारत पूरा अपना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो पंजाब वाला बॉर्डर और खोल दिया था, इधर भवानी सिंह की पोस्टिंग थी जैसलमेर वाले बॉर्डर पे, अच्छा तुम पंजाब वाला बॉर्डर खोलोगे, इधर जैसलमेर बॉर्डर खोल लिया खुद ही का निर्णय, भारत सरकार बाद में देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना, ये बॉर्डर खोलो अपने। पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, पाकिस्तान के सिंध का एक जिला था छाछरो, कौन सा जिला था छाछरो, भारत में मिला लिया था, मिला ही लिया था छाछरो को भारत में। 6 महीने तक छाछरो में भारत का कलेक्टर बना करता था कैलाशदान, उज्जवल कलेक्टर थे अपने, पाकिस्तान की टेरिटरी है, हिस्सा भारत का है। 1972 में बाद में समझौता होता है शिमला, पढ़ा होगा, आईआर चल रही होगी, तो 72 में आपके शिमला समझौता होता है, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, और उसके अंदर हमने गुडविल दिखाने के लिए छात्रों वापस दिया पाकिस्तान को, और हमने कहा कि हमने तुम्हारी जिन जिन जगह पर कब्जे कर लिए हैं वो कब्जे हम तुम्हें वापस देते हैं, और हमने जहां जहां कब्जे किए थे वो पाकिस्तान को वापस दे दिए। तो 6 महीने बाद छात्रों में भारत का राज खत्म होता है, तो 6 महीने बाद कहा गया कि अब अपना कलेक्टर वहां नहीं रहेगा, कलेक्टर साहब को आप घर आओ। तो जब अपने कलेक्टर एंड एसपी वहां से जब वापस आए थे तो वहां अपनी नेम प्लेट लगी हुई थी कलेक्टर की कार्यालय के बाहर होती है, भाई कैलाशदान उज्ज्वल जिला कलेक्टर छाछरो, फलान सिंह जिला वो एसपी छाछरो, सब वो लगे हुए थे टोटल, वो सारे उखाड़ उखाड़ के लाए थे और वो म्यूजियम में रखे हुए, जो याद दिलाते हैं कि साहब 71 वाली वॉर के अंदर हमने छाछरो पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, 6 महीने तक हमारे पास में रहे थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो बातचीत करने में बड़े तेज थे, 71 में हमने जिन जिन जगह पे कब्जे किए थे उन उन जगह के कब्जे वो 72 में अपने वापस ले लेते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी नवयुवती बेटी को कहते हैं, बेंजीर भुट्टो उसमें साथ में आई हुई थी, बेंजीर को कहते हैं कि भारत सेना से जीता है, कागजों में हार गया, भारत सेना से जीता है कागजों में, सेना से जीत जात जाएगा, कागजों में बात तो मैं करूंगा ना, क्या बात करनी है क्या नहीं बात करनी है। और भुट्टो अपने को सलट आ गया इस मामले, वरना उस दिन मना कर देते तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं, नहीं दे रहे जो तुम्हारे जी में वो कर लेना बात में, क्या करता कुछ नहीं, पूरा बांग्लादेश ही अलग करवा दिया, एक पूरा हिस्सा ही तो अलग कर गए थे उधर वाला, वो हिस्सा अलग ही कर गए, अपना ही किया हुआ है, क्या उसमें बांग्लादेश का क्या लेना देना है। बांग्लादेश भले ही आजकल खुद की विक्ट्री परेड करता है और क्या हमने लिया था बांग्लादेश, अरे काय लिया था, तुम्हारे को ठोका पाकिस्तान, टिक्का खान नाम था उसका, पाकिस्तान का एक जनरल हुआ करता था टिक्का खान, और टिक्का खान ने इतना बुरा मारा था बुचरर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का कसाई, और बाद में इधर उसको बांग्लादेश भेजा था, एक के को निकाल निकाल के मारा था घरों से, मतलब बांग्ला वॉर के अंदर पाकिस्तान के सिपाहियों ने जितनी महिलाओं के बलात्कार किए थे दुनिया में टोटल मिला के नहीं होंगे 70 साल में, इतनी बुरी हालत कर दी थी, और बंगाली बेचारे भाग भाग के इंडिया की तरफ आ रहे थे सारे के सारे, तो इंडिया वालों को लगा यार दिक्कत हो जाएगी अपने साथ में, इसलिए फिर पूरी आर्मी उतारी थी अपनी, और आर्मी उतार के और बाद बांग्लादेश को अलग ही करवा दिया था, आजादी करवा दिया था। तो अपना युद्ध है वो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, बांग्लादेश का उसमें कोई भी लेना देना, बांग्लादेश कहता हमने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई और मुक्ति वाहिनी सेना बनाकर आजाद करें, अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी, तुम और मुक्ति वाहिनी सेना और कूट रहे थे वो इतने सालों से तुम्हें, तब तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, मतलब कब 21 मार्च 1952 की कब की बात है ना, तब इनको कूटना शुरू किया था कि वो उर्दू भाषा को लेके, और ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग हो गई थी, इनका कहना था ढाका वालों का कि हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान का कहना था कि नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पढ़ाई जाएगी उर्दू, और ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़के वो कर रहे थे और उसके अंदर फायरिंग वीर फायरिंग में 5 लड़के मर गए थे। अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस इसीलिए मनाते है ना, 21 है 22 है, हाँ 21 फरवरी, मार्च नहीं 21 फरवरी, तो तब तुम्हें कूटना शुरू किया था, 71 तक तुम्हें कूट ही रहे थे, तुम्हारे तो सबसे बड़े नेता को गिरफ्तार किया था, मुजीबुर रहमान गिरफ्तार था, तुम सरकार में जीत गए उसके बावजूद तुम क्या कर रहे थे पाकिस्तान के, जैसे जी में आ रहा था वैसे कर रहा था। 71 वाला वॉर तो भारत के एक एक बंदे को पढ़ना चाहिए, रोंगटे खड़े करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट थे उस युद्ध के अंदर, एक एक चाल हमारी कितनी सही तरीके से चल रही थी। 71 वाली वॉर से ठीक पहले हम श्रीलंका के साथ एक समझौता करते हैं, कि श्रीलंका तेरे एयरपोर्ट की रखवाली कौन करता है, तो श्रीलंका ने कहा डामांडोल ये हमारे पास सेना कम है, छोटे से देश है, तो कहा इंडियन आर्मी तुम्हारे एयरपोर्ट की रखवाली कर लेगी। तो हमने एक समझौता किया और समझौते में कहा गया कि श्रीलंका के जितने एयरपोर्ट है इनकी रखवाली की जिम्मेदारी किसकी है, इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी उनके वो एयरपोर्ट है उनकी रखवाली कर रही। अब 71 का वॉर शुरू होने वाला है, 71 का वॉर शुरू होने से पहले इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज हमारी एयर बाउंड्री के अंदर से नहीं जाएगा,
भाई पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों अलग अलग, ये पड़ा पाकिस्तान और ये पड़ा आपका। अब यदि पाकिस्तान को बांग्लादेश जाना तो इंडिया के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। हमने हमारी एयर बाउंड्री बंद की, हमारी वायु सीमा के अंदर से पाकिस्तान का एक भी जहाज नहीं निकल सकता। अब पाकिस्तान के जहाज कहां से जाएंगे? तो पाकिस्तान इधर ईरान के ऊपर से होता हुआ नीचे श्रीलंका आता और श्रीलंका से इधर बांग्लादेश जाता। तो अब पाकिस्तान के जहाज कौन से एयरपोर्ट से जाएंगे? श्रीलंका। श्रीलंका के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी किसकी है? हमारे पास एक एक सूचना थी कि कितने जहाज गए आज, कितने सैनिक गए उनके अंदर, पूरा बायोडाटा था हमारे पास में। तो हम पाकिस्तान के बारे में इतने क्लियर थे कि इनके पास कितना सामान है, कितना असला है, कितने सैनिक है, कब गए हैं, कब उठे हैं, कब सोए, पूरा पता लगा रखा था हमने। फिर 71 वाली वॉर में इंदिरा गांधी के दिमाग में ये थी कि अपने मई के आसपास युद्ध कर लेंगे, मई के अंदर युद्ध करने वाले थे। सुबह सैम माने सैम तो पढ़ा जाना चाहिए, सैम को यदि भारत में कोई नहीं जानता है तो धूल है, सैम की मूर्तियां लगनी चाहिए। भारत पता नहीं कितना कृतघ्न देश है जो सैम मानेकशॉ जैसे जनरल को बुला सकता है। और सैम को इंदिरा गांधी ने बुलाया और इंदिरा गांधी ने बुला कहा कि सैम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा और ये मई है, तुम बताओ युद्ध कब छेड़ोगे? सैम ने कहा दिसंबर। कब युद्ध करेंगे? वाय दिसंबर, 7 महीने पड़े हैं सितंबर के अंदर। कहा मैम दिसंबर में बर्फ पड़ेगी और जब बर्फ पड़ेगी तो चाइना के आक्रमण का खतरा समाप्त हो जाएगा। अब यदि युद्ध करेंगे तो चाइना पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएगा। दिसंबर में इतनी बर्फ होगी कि हिमालय ढक जाएगा। यूएन थोड़ी कहा कि हिमालय हमारा मस्तक है, रक्षा करता है हिमालय हमारी, पर रक्षा टाइम पे तो करेगा, बिना टाइम के कैसे कर सकता है? चाइना चाह के भी अपने कदम नहीं बढ़ा पाएगा और चाइना उधर रहेगा तो पाकिस्तान को ठोक लेंगे अकेले, दूसरा कोई मोर्चा ही नहीं खोलने देंगे। कितने दिन लगेंगे मैम? 15 दिन में पाकिस्तान तबाह है, आपको तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। वापस इंदिरा गांधी ने पूछा कि तुम क्लियर हो इस बारे के अंदर? ओ, आप दिसंबर तक रुक जाओ, बाकी मैं अपने आप देख लूं। 2 दिसंबर के आसपास युद्ध शुरू किया, 16 को जीत गए थे, 3 को, 16 को तो जीत ही गए थे। एग्जैक्टली वो 15 दिन का टाइम है, 1-2 से इन्होंने छोटी मोटी फायरिंग वगैरह शुरू हुई थी, 3 को लड़ाई, 3 को हम कहते हैं भाई हमने एग्जैक्टली उस युद्ध में शामिल हो गए थे, पहले करना शुरू कर दिया था हमने, और 16 को तो अपने जीत ही गए थे। सेम के बारे में लोग नहीं जानते, बाकी गजब वाला युद्ध है उस बॉर्डर पे, स्थल सेना अध्यक्ष हुआ करते सेम, वो युद्ध मुझे लगता है इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि वो पूरा युद्ध राजस्थान का जीता हुआ है। इधर पाकिस्तान वाले इस जैसलमेर वाले बॉर्डर पे मानसिंह के बेटे थे सवाई भवानी सिंह, जो छाछ रोहतक उधर कब्जा करते हैं। इधर वो बॉर्डर असल वाली लड़ाई, पंजाब वाली लड़ाई तो बड़ी गजब वाली लड़ाई है, जब उसमें पाकिस्तान ने लैंड माइंस बिछा दी थी पूरे के अंदर, पूरे पाकिस्तान इधर आगे आ गया था, आगे पाकिस्तान पंजाब की तरफ अपने आगे बढ़ जाता है, इंडियन आर्मी रिटेलिएट करती है, यहां से वापस भगाती है पंजाब, तो पाकिस्तान जहां तक आ गया था वहां तक उसने बस वो लैंड माइंस बिछा दी कि जैसे इंडिया का टैंक जाएगा वो टैंक उड़ जाएंगे सारे के सारे। अपने फौज के अंदर इधर एक अफसर हुआ करता था हणूत सिंह, बाड़मेर के हणूत सिंह हुआ करते थे, संत टाइप के आदमी थे, सन्यासी टाइप के आदमी थे। उन्होंने अपने टैंक वालों को इनके ऊपर से भेजो, कैसे लैंड माइंस है, आदमी कदम रखेगा ना तो फट जाएगी, टैंक इतना भारी पड़ेगा सारे के सारे टैंक उड़ जाएंगे, भगवती साथ है तुम तो भेजो, एक ही नहीं फटेगी। लैंड माइंस नहीं फटी थी एक भी। हमारे अरुण खेत्रपाल उसी युद्ध में शहीद हुए थे जिनको बाद में परमवीर चक्र दिया गया था, हणूत सिंह को मेडल नहीं मिला था, उनको परमवीर चक्र दिया गया था बाद में। तो इधर पंजाब वाले बॉर्डर पे हणूत सिंह थे और इनसे भी बेहतरीन एक और कमांडर जो ढाका वाले बॉर्डर पे लड़ रहा था सगत सिंह। आप कभी झारखंड महादेव मंदिर जो अपना है खातीपुरा मोड़ से इधर आते हो तो उस रोड का नाम है सगत सिंह रोड, और वो फोटो मैं जो अक्सर कई बार कहता ही रहता हूँ आपको, जिसमें नियाजी साइन कर रहा है ना, वो फोटो देखना कभी, कि यहाँ पे अपने जग्गी बैठे हुए जगजीत सिंह अरोड़ा, यहाँ पर नियाजी बैठा हुआ है पाकिस्तान वाला साइन कर रहा है, पीछे कुछ सैनिक खड़े हैं, उनमें एक अफसर खड़ा है 1.5-2 फीट लंबा, वो सगत सिंह है। मेघना नदी क्रॉस की थी, ढाका वाली नदी है वो कौन सी है? जगजीत सिंह अरोड़ा अपने ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, तो जग्गी अरुणाचल प्रदेश थे, जग्गी ने सगत सिंह को कहा कि शाम तक मेघना पहुंचना है, मेघना जाके रुकना है, फिर सुबह आपको मेघना क्रॉस करनी है, सुबह मेघना क्रॉस करना, या सुबह शायद मेघना तक पहुंच जाना, फिर मेरे ऑर्डर का इंतजार करना और फिर आप मेघना क्रॉस करना। मेघना क्रॉस करने का मतलब ढाका के अंदर घुस जाना। इनको शायद जो टाइम दिया हुआ था उसे 2-1 घंटे पहले सगत सिंह मेघना पहुंच गए थे वहां पर, तो सगत सिंह को सैनिकों ने पूछा कि सर आ गए, टाइम तो 10 बजे का था, आपने तो मेघना 8 बजे पहुंच गए, अब 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, जग्गी जो ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर के अनुसार आगे बढ़ना। खैर अब इंतजार कौन करे, आगे क्रॉस करो। मेघना क्रॉस कर गए, मेघना क्रॉस करे तो ढाका में घुसे, ढाका में घुसने का मतलब ढाका पे कब्जा, और ढाका की जनता क्या बावली हुई थी, ढाका यूनिवर्सिटी की लड़कियां भारतीय सैनिकों के गले लग लग के क्या किस दिए थे उस दिन,
और इधर जग्गी को पता चला इस बात का कि इंडियन आर्मी मेरे बिना ऑर्डर के ढाका क्रॉस करके ढाका पे क्या कर चुकी है, कब्जा। जग्गी ने वापस ऑर्डर दिया, जग्गी ने कहा तुम मेरे जूनियर हो, और जब मैंने कहा था कि मेरे से बिना पूछे तुम क्रॉस नहीं कर सकते तो तुमने क्रॉस कैसे किया और तुम वापस आओ। जगत सिंह का वापस तो इंडियन आर्मी मेरी लाश से आएगी ऑन माय डेड बॉडी, तुम मेरे मार दो फिर इंडियन आर्मी को ले जाओ वरना इंडियन आर्मी यही है। दूसरी एक शर्त है कि प्रधानमंत्री कह दे ऊपर से कि इंडियन आर्मी को वापस आना तो आ जाऊंगा, मैं नहीं मान रहा तुम्हारा ऑर्डर, मैं तुम्हारा सीनियर हूं, अब जो हो वो ढाका पे कब्जा कर चुके हैं और हम ऑर्डर नहीं मानेंगे अब तुम्हारा। जग्गी सीरियस ले गए बात को, जग्गी ने कहा प्रधानमंत्री से कहलवा दूं तो फिर वापस आ जाएंगे। इंदिरा गांधी मीटिंग ले रही है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सारे मंत्री बैठे हुए उनके सामने, सारे कलेक्टर बैठे हुए, सचिव जीते भी थे वो सचिव बैठे हुए। अचानक एक सचिव एक पर्ची लिखता है, आगे बढ़ाता है, रक्षा मंत्री के पास पर्ची पहुंचती है। रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, रक्षा मंत्री कौन थे बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, जिनकी बेटी बाद में अपने लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार उन्हीं की बेटी है जगजीवन राम। वो पर्ची पढ़ते हैं, पर्ची पढ़ गए उस पर नीचे अपने साइन करते हैं, साइन करके इंदिरा गांधी की तरफ पर्ची बढ़ाते हैं। उस पर्ची पे केवल इतना लिखा हुआ था कि ढाका जीत चुके हैं, क्या कर चुके हैं, ढाका कंकर्ड, ढाका जीत चुके हैं, अब आपका ऑर्डर बताना है क्या करना है क्या नहीं करना है, वापस आए कब्जा कर लिया हमने वहीं रहे क्या करें। कहते इंदिरा गांधी को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था, इंदिरा गांधी बहुत सीरियस मोड के अंदर रहा करती थी, और दुनिया में जहां भी महिला शासिका हुई वो हमेशा सीरियस मोड में रही है कि भाई सीरियस नहीं रहोगे तो बाद में कोई आपकी बातें नहीं सुनेगा, शायद यही बात रहती होगी। उस दिन इंदिरा गांधी नाची थी, इंदिरा गांधी का बेहतरीन फोटो जब प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर इंदिरा गांधी एक हाथ में पर्ची लिए हुए नाच रही, उनकी साड़ी का पल्लू लहरा रहा है, वो पल्लू भारत की विजय को दिखा रहा था कि हम ढाका जीत चुके थे। तो वो युद्ध अपने आप में ही यकीन करने वाला सा युद्ध है कि यार हम क्या कर सकते, 95,000 सैनिक घुटने टेक के सामने बैठे थे, दुनिया के इतिहास में ना भूतों ना भविष्य थी। किस प्रकार यहां तो पढ़ते हैं कि अशोक कलिंग के युद्ध से 1,00,000 लोगों को बंदी बना के लाया था, या हम कहते हैं कि 1971 में हमने 95,000 लोगों को बंदी बना लिया था या गिरफ्तार करके रखे गए थे 95,000 लोग। इसलिए पाकिस्तान सारे युद्धों के बारे में कहता है कि हमने जीते हैं, पाकिस्तान कहता है 48 में हम जीत गए थे, 65 में भी हम जीत गए थे, 99 में भी हम जीत गए थे, 71 के बारे में पाकिस्तान कभी नहीं कहता कि हम जीत गए थे। फोटो है 95,000 घुटने टेक के बैठे हो, तुम्हारे नियाजी का पिस्टल बाहर पड़ा है, वो फोटो कितना प्यारा लगता है, इसमें नियाजी के पास पिस्टल नहीं, एक आपका आर्मी ऑफिसर बिना पिस्टल के हमारे सामने, इसका मतलब सरेंडर है कि हम पिस्टल नहीं रखने दे रहे थे। जब जग्गी साइन करने के लिए साइन जग्गी करते हैं उधर, सैम मानेकशॉ और कितने महान है, ये सैम मानेकशॉ थल सेनाध्यक्ष है, और हमने जब कहा कि सैम हमने ढाका कंकर कर लिया, ढाका जीत चुके हैं, अब आप आइए यार सरेंडर करवाए, सैम ने कहा नहीं मैं नहीं यार, मेरा जो भी जूनियर उसको भेजा जाए, तो साहब जूनियर उधर आपका जग्गी है तो जग्गी को भेजा जाए। तो इधर जग्गी बैठे, इधर वो बैठा है नियाजी बैठा हुआ है, और नियाजी वहां पर साइन कर रहा, नियाजी जब साइन करने लगा तो का पिस्टल बाहर निकाल, पिस्टल का मतलब तू एज आर्मी ऑफिसर साइन कर रहा है इसके ऊपर, तो उसने कहा हम आर्मी ऑफिसर, उसने कहा बंदी है तू हमारा, गिरफ्तार किया हुआ, मार देंगे 2 मिनट में साइड ले जाके, पिस्टल साइड में रख, दुनिया के दबाव बनाते रहेंगे हम पर, जब आएंगे जब हम ढाका जीत चुके तेरे को मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बेचारा नियाजी चुपचाप पिस्टल निकालता है, पिस्टल निकाल के बोलता पेन नहीं है मेरे पास, पेन हम दे देंगे तेरे को, पेन दिए उसने साइन किया। तो मैं एक दिन पहले ही कभी बात बताई थी कि इस बात से नियाजी इतने अलोकप्रिय हुए कि पाकिस्तान में कोई भी नियाजी अपने नाम के आगे नियाजी नहीं लगाता, पाकिस्तान में नियाजी का मतलब गद्दार माना जाता है, इमरान खान नियाजी है, इसलिए इमरान खान के नाम के आगे सरनेम नहीं होता कभी, बाकी सब अपने सरनेम लगा लगा के घूमते रहते हैं, इमरान खान ही लिखता है कि नियाजी लगाते पाकिस्तान वालों की नजरों में आता है कि नियाजी है मतलब कौन है, गद्दार है। तो अब की बार इमरान खान ने खूब कहा कि भाई अमेरिका के हाथों में खेल रहे ये लोग, मैं देश को बचाना चाहता हूं, पर मुझे लगता है देश वालों को फिर लगाओगे, तू तो खुद ही नियाजी है, तू क्या बचाना चाहता है, 71 में नहीं बचा पाए तब तुम क्या बचाओगे। 71 के वॉर के बारे में तो यूट्यूब पे गूगल पे ढूंढ के पढ़ा करो, वो दुनिया के इतिहास के महानतम युद्धों में से एक है, जो सामरिक तरीके से रणनीतिक तरीके से हर दृष्टि से भारत ने जीता था, एक चूक नहीं है, जैसा अमेरिका बीच में आ जाएगा, रशिया बीच में आ जाएगा, कोई नहीं आए, जिनको आने थे नहीं आने थे, इतने में तो 15-16 दिन में हम कब्जे कर कुरा गए थे। उससे पहले इंदिरा गांधी पूरी दुनिया के चक्कर काटती है, तब एक एक को हमने पहले से कह रखा था भाई ये पंगा होगा, इस पंगे में तुम बीच में मत आना, ये इधर होगा, या तो तुम अभी संभाल लो इनको, अभी नहीं संभाल पाओगे देख लेना बाद में हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। इसलिए दुनिया वालों ने ध्यान ही नहीं दिया, और जब तक वो दुनिया ध्यान देती उससे पहले तो अपने कब्जा कर कुरा लिया। एक देश के दो टुकड़े हिसाब साहब, एक टुकड़ा अलग दूसरा टुकड़ा अलग, अब चार होंगे,
इधर वाले की ओर, सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अलग होगा, सिंध अलग होगा। अब केवल समय का प्रश्न है, हो कब ये पता नहीं। परसों एक बलोचों वाली लड़की उड़ा गई कराची में, चाइना वालों कुछ उड़ा गई थी, वेरी गुड शाबाश, मगर ये बात है आजादी की जंग जारी है, इस जंग में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं एकदम। लिखो आप तो मानसिंह हमेशा याद रखे जाने चाहिए, यार एक आदमी से आपने सब कुछ छीन लिया था, उसके बावजूद उसका पूरा परिवार आपके लिए लड़ रहा है,